हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनसाइड आउट पढ़ेंगे, सब चीज़ों को कवर करेंगे। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एम श्योर। एक बार आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो कोरल रीफ में इससे बाहर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। राइट, तो सबसे पहले कोरल रीफ्स होते क्या हैं? अ कोरल रीफ इज एन इकोसिस्टम और अ कॉलोनी ऑफ कैल्सेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब ये कैल्सेरियस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। बेसिकली कोरल रीफ्स आर मरीन ऑर्गेनिजम्स। और ये कोरल इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, यहाँ पर जनरली पॉलिप्स देखने को मिलते हैं, कैल्सेरियस एल्गे देखने को मिलते हैं, शेल फॉर्मिंग क्रीचर्स होते हैं, लाइम सिक्रीटिंग प्लांट्स होते हैं। अब कोरल्स की एक बहुत ही सिंपल कैटेगराइजेशन करें तो ये दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। इनमें से जो हार्ड कोरल्स होते हैं ये कोरल रीफ्स के मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। आपको ये याद रखना है दैट ओनली हार्ड कोरल्स मेक कोरल रीफ्स। राइट, सो इसके बाद आपको कोरल रीफ का बेसिक स्ट्रक्चर समझना है, बेसिक फंडा समझना है कि कोरल रीफ्स बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं और ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अब आपको इतना पता है कि कोरल रीफ्स कैल्सीरियस ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको कार्बन चाहिए जिसका एक कैल्सिफिकेशन करेंगे। बट इनको ये कार्बन मिलेगा कहाँ से? कार्बन इनको मिलेगा एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से जिसका नाम होता है जूजैंथले। अभी जूजैंथले की खासियत ये है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए काफ़ी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उसके बेसिस पे फोटोसिंथेसिस करेगा। वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट इसको कैल्सीरियस ऑर्गेनिजम्स देते हैं जो कि कोरल रीफ्स होती हैं। ये कोरल रीफ्स जूजैंथले के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करती हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो बेसिकली जूजैंथले कोरल रीफ्स को कार्बन प्रोवाइड करता है कैल्सिफिकेशन के लिए, और कोरल रीफ्स जूजैंथले को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं, अपनी शेल के अंदर रखते हैं जहाँ पे आराम से फोटोसिंथेसिस कर सके। अब उसके बाद एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कोरल रीफ मिलते कहाँ हैं? इनकी लोकेशन जानने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये मिलते हैं, और उन कंडीशंस को हम मैप पे लोकेट करेंगे कि ये कहाँ अवेलेबल हैं, और उस हिसाब से हम आइडिया लगाएंगे कि कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोरल रीफ्स को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए थोड़ा वार्म वाटर चाहिए जो कि 23 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये एक ऑप्टिमम रेंज है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 23 टू 27 डिग्री सबसे परफेक्ट रेंज है जहाँ पर कोरल रीफ सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें इनकी टॉलरेंस से ज़्यादा इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर याद रहना चाहिए जो कि 23-27 या 22-28 डिग्रीज आप कह सकते हो। ये एक रेंज है जिसमें कोरल रीफ्स जनरली मिलते हैं। अब इस टेम्परेचर से आप आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा वाटर टेम्परेचर जनरली ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलेगा, तो कोरल रीफ्स भी जनरली ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलते हैं। अब इससे आप एक और आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इनको वार्म वाटर चाहिए तो ये कोल्ड करंट्स वाले एरियाज में नहीं हो सकते हैं, और क्योंकि ये कोल्ड करंट्स वाले एरियाज में नहीं होंगे तो वहाँ पे अपवेलिंग जोन्स भी नहीं होंगे। अपवेलिंग जोन्स में कोरल रीफ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए जनरली जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो वाटर की डेप्थ है वो 180 फीट से कम होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा डेप्थ में फोटोसिंथेसिस अच्छे नहीं हो पाया, क्योंकि सनलाइट की पेनिट्रेशन पावर खत्म होती जाएगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो जूजैंथले नहीं मिलेगा, जूजैंथले नहीं मिलेगा तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ना होने की वजह से कोरल रीफ भी वहां पे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 180 फीट से कम डेप्थ में कोरल रीफ के मिलने के चांसेस ज्यादा है। अब कोरल रीफ ज्यादा टाइम तक पानी के बाहर भी नहीं रह सकते हैं, इनको शैलो वाटर चाहिए, पानी के अंदर होना जरूरी है तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद एक और क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए दैट वाटर शुड बी सॉल्टिश एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स। अब सॉल्टिश वाटर आपको जनरली सी और ओशियंस में मिलेगा, इसलिए फ्रेश वाटर लेक्स या रिवर्स में आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलते हैं। इनको सेडिमेंट्स भी नहीं चाहिए, इसलिए जनरली सिल्टी कोस्ट या मडी माउथ्स जो होते हैं रिवर स्ट्रीम्स के, जो एस्चुरीज होती हैं या डेल्टाज होते हैं, वहां पे आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पे सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ओशियन वाटर भी जब तक मूविंग स्टेट में होता है, स्टैग्नेंट नहीं होता है, तो कोरल रीफ्स के मिलने के चांसेस वहां बढ़ जाते हैं। अब इन्हीं कंडीशंस को देख के हम मैप में लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि कहां पे हमें कोरल रीफ्स मिल सकते हैं। सबसे पहले नोटिस करो कि ट्रॉपिकल एरिया रफली यहाँ पर है, और इसी रीजन में आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे।
उसके बाद जनरली आप नोटिस करो कि कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कोल्ड करंट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए वहां पे हमें कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे। अब कोल्ड करंट्स वेस्टर्न कोस्ट पे होने की एक दो एक्सेप्शन है, जैसे कि लैब्राडोर करंट, ओशियो करंट, ये कॉन्टिनेंट्स की ईस्टर्न साइड में है और ये कोल्ड करंट्स हैं। बट जनरली कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंगुला करंट, केनरी करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरू करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सभी कोल्ड करंट्स हैं। राइट, सो हम अब वार्म करंट्स को लोकेट करते हैं। तो इस हिसाब से जो ये वार्म करंट्स के एरियाज हैं, ये कोरल रीफ के हॉटस्पॉट्स हैं और यहाँ पर ही वर्ल्ड के सबसे फेमस कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस कोरल रीफ है, ये क्वींसलैंड के पास में है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर कोरल रीफ है। उसके बाद रेड सी कोरल रीफ, जो कि इसराइल, इजिप्ट और जिबूती की कोस्ट पे देखने को मिलता है। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ, मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ जो कि मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और बेलीजे के पास में है, फ्लोरिडा रीफ, मालदीव्स में भी रीफ है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 7 रीजन्स हैं जहां पे आपको रीफ देखने को मिलेंगे। एक तो है गोवा वाला रीजन, फिर है केरला की कोस्ट, फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक बे, गल्फ ऑफ मनार, गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। राइट, सो उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ कोरल्स देखने हैं। ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है फ्रिंजिंग रीफ। अब इन रीफ को समझने के लिए डायग्राम सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ऊपर से देखो, आसमान से देखने में अगर लैंडमास कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है और उसके आसपास वाटर बॉडी है और इस लैंडमास के आउटर पेरिफेरी पे अगर कोई रीफ है, अगर कोई कोरल रीफ बन गया है, तो इसको जनरली हम फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। इसका साइड व्यू अगर आप देखेंगे तो लेट्स से ये लैंडमास है और ये धीरे धीरे डिसेंड कर रहा है ओशियन की तरफ, तो जो बिल्कुल बॉर्डर पे एक रीफ बनेगा, ये रीफ फ्रिंजिंग रीफ बोला जाएगा। एक कंटिन्यूअस लैंडमास पे अगर रीफ बन जाता है और वो सी को कॉन्टिनेंट से सेपरेट कर रहा है, उस सिचुएशन में इसको फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। दूसरा टाइप है बैरियर रीफ। अब फिर से अगर हम टॉप व्यू देखें, अगर आप आसमान से किसी लैंडमास को देखोगे और अगर वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे कंटिन्यूअस कोरल रीफ ना होके थोड़े डिस्टेंस पे अगर छोटे छोटे पैचेस में रीफ बन रखे होंगे, तो इनको हम बैरियर रीफ बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल करंट को, एक नॉर्मल वाटर के फ्लो को रोकता है, उसके लिए बैरियर बनता है और सीधे लैंडमास से टकराने नहीं देता है। तो यहाँ पे कुछ वाटर है जो कि स्टैग्नेंट है और बाकी वाटर यहाँ पे सी है और इस बड़ी वाटर बॉडी को इस छोटे से लगून से जो सेपरेट करेगी कोरल रीफ, इसको हम बैरियर रीफ बोलते हैं। इसका अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो ये लैंडमास है और इस लैंडमास को एक बैरियर रीफ सेपरेट कर रहा है सी से, और इस सेपरेशन की वजह से जो यहाँ पे एक लगून बन गया है, एक स्टैटिक लेक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसी सिचुएशन में इस रीफ को हम बैरियर रीफ बोलते हैं। राइट, सो जो तीसरा टाइप है कोरल का, उसको बोलते हैं अटोल। अटोल वो सिचुएशन है जब कोई मेनलैंड नहीं है और एक ओपन ओशियन या सी में धीरे धीरे कोरल्स ने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसकी वजह से जो सेंटर में पानी है ये स्टैटिक हो गया है, इसको हम लगून बोलते हैं, और बाहर बड़ी वाटर बॉडी है, बड़ा ओशियन है जहां पे करंट्स हैं, लेकिन उसको बीच में लगून से मिलने से ये कोरल रीफ रोक रही है और इनको हम अटोल बोलते हैं। इसका साइड व्यू अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक नॉर्मल लैंड के ऊपर कोरल रीफ इस तरीके से बन गए हैं कि वाटर का लेवल तो राइज हुआ ही है और इस वाटर के लेवल से और भी ऊपर ये कोरल उठ गए हैं, जिसकी वजह से सेंटर में एक लगून बन गया है और इस लगून को बड़ी वाटर बॉडी से मिलने से ये रोक रहे हैं, और इस टाइप के कोरल रीफ्स को हम अटोल्स बोलते हैं। राइट, सो आपको टाइप्स पता लग गए हैं। एक थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए जिसका नाम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस। ये थ्योरी ये कहती है कि ये कोरल रीफ्स एक फ्लो में बनते हैं, सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनती है, फिर धीरे धीरे वो बैरियर रीफ बनती चली जाती है और एंड में वो रीफ अटोल बन जाती है। अब डार्विन ने सजेस्ट किया था कि रीफ के फॉर्मेशन का ये एक तरीका है और एक ये पैटर्न है और इसी तरीके से सभी रीफ बनती हैं। इसके बाद हमें कोरल्स के कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहला है दैट इट एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट एरोजन एंड स्टॉर्म सर्ज। दूसरा है दैट इट इज द लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर। The third one is that it provides substrate for mangroves. और एक और function है that it acts as a large habitat for plants and animals. Coral reefs अपने साथ एक बहुत ही बड़ी species diversity लेके आते हैं। जहाँ पे coral reefs मिलेंगी वहाँ पर marine plants and animals की बहुत ही ज़्यादा species diversity मिलेगी। Food chain बहुत ही अच्छे से developed होगी। अब कोरल रीफ्स के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा भी नहीं हो रहा है। कोरल रीफ्स को बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं, जिसकी वजह से मरीन फूड चेन डिसरप्ट हो रही है और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। अब ये थ्रेट्स किस वजह से हैं, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन थ्रेट्स का अंजाम क्या होता है।
किसी भी स्ट्रेस या किसी भी थ्रेट की वजह से कोरल रीफ अगर मर जाती है तो उसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं, जिससे कि ये बहुत ही रंग बिरंगी कोरल रीफ्स जो हैं ये पेल होके वाइट हो जाती हैं और इनका सिर्फ एक स्केलेटल स्ट्रक्चर रह जाता है जिसके ऊपर अगर वापस कोरल रीफ रिवाइव होगी तो नया एक स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं हो पाई तो ये डेड हो जाएंगे। और फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि रिवाइवेबल नहीं होते हैं। ये ब्लीचिंग होती किस वजह से है? सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो कि मैन मेड इश्यूज हैं, जैसे कि केमिकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मैकेनिकल डैमेज, न्यूट्रिएंट लोडिंग, सेडिमेंट लोडिंग, शिपिंग, टूरिज्म, माइनिंग, थर्मल पोल्यूशन एंड इंटेंसिव फिशिंग। उसके बाद कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं जैसे कि वायलेंट स्टॉर्म्स, फ्लडिंग, हाई एंड लो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड सो एटसेट्रा। अब ब्लीचिंग के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो कलर है वो पेल हो जाता है, जूजैंथले की डेंसिटी डिक्लाइन हो जाती है, 60-90% जूजैंथले चले जाते हैं या मर जाते हैं, जो बचे हुए जूजैंथले हैं उनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट गिर जाता है, 50-80% डिक्लाइन आ जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन की वजह से भी हो सकता है जिससे कि सोलर इरेडियंस बढ़ जाती है, ये ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से भी हो सकता है, और एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट सेडिमेंट्स की ऑफलोडिंग हो जाती है सी में, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम वाली सिचुएशन बन सकती है जो कि वाटर के अपर लेयर को कवर कर लेते हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि लाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाती अपर लेयर को। इस वजह से जूजैंथले डाई आउट कर जाते हैं और फिर कोरल्स डाई आउट कर जाते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोरल रीफ्स। ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनकी लोकेशंस क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। द PDF नोट्स फॉर दिस वीडियो आर अवेलेबल ऑन द सिविल कोर्सिफाई एंड्रॉइड ऐप फॉर फ्री। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, डाउनलोड द सिविल कोर्सिफाई एंड्रॉइड ऐप एंड फॉलो अस ऑन Facebook एंड Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.